भूख रही हो स्टेज पे आ जाओ, चार पांच आ गए। तो किस किस ने बाबा को बेटा बनाया, जो तो हाथ सोल से धीरे धीरे हाथ निकाल रहे, वो सोच रहे हैं कि तीन की पालना नहीं होती, चौथे की कैसे करेंगे, वो सबकी करेगा, सबकी पालना वो करेगा। बेटा बनाना तो सहज है, आगे निभाना। एक जगह ऐसे ही इससे डबल सब आती माताओं की, सबने बेटा बनाया, ऐसे ही क्लास हुई थी। अगले दिन आई माताएं तो भूल जाती हैं। मैंने कहा किस किस ने बेटा बनाया, हाथ उठाया सबने। मैंने कहा रात को भोजन खिलाया था बेटे को, हम माताएं एक दूसरे को देखें, तुमने खिलाया था क्या, हम किसी ने नहीं खिलाया। शिव बेटा तो म्याऊ म्याऊ करते, कैसी मम्मी मिली, खुद खा के सो गई, मुझे पूछा भी नहीं। तो जब दो चार दिन नहीं खिलाएंगे तो फिर छोड़ के कहीं और जाएगा ना, तो निभाना भी है। भक्ति में नहीं करती क्या माताएं श्री कृष्ण के गर्म कपड़े भी, सब करते हैं ना। देखो श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, उसके गर्म कपड़े बनवाएंगे, जिसको ठंड लगती नहीं है। एक नाता और जोड़ लें, नाते बहुत सारे हैं ना, कभी कोई कभी कोई। खुदा दोस्त सच्ची दोस्ती निभाएगा, बस उसको तो इतना ही करना है कि जब उसको हमारी ज़रूरत है हम मदद करें, तो जब हमें ज़रूरत होगी चारों युग द्वापर से भी वो हमें मदद करेगा। बांध लें उसे इस प्यार की रस्सियों में। बाबा तीन संबंधों की बात मुरलियों में बहुत कर रहे हैं, दो मास से आप सबने सुना है। कौन से तीन संबंध, बाप टीचर सदगुरु, कैसे इसके चिंतन को करना है। मैं पहले थोड़ा सा दो दो मिनट केवल रिपीट नहीं कर देना, शिव बाबा मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, हो गया काम, ये नहीं। वो मेरा बाप है, पिता है, अर्थात वो मेरा है। सोचो जरा एक मिनट, सभी आंख बंद करके सोचो, जो भगवान है वो मेरा है, मेरा पिता, मैं उसके परिवार का मेंबर, वो अपने परिवार में आकर बैठता है, अपने बच्चों से मिलता है, बातें करता है, भगवान बनकर नहीं आता, अपना भगवानपन ऊपर ही छोड़कर बाप बनकर आता है, वो मेरा है। तो उसका सब कुछ भी मेरा है। भगवान मेरा है, बस खोलो आंखें, ठीक है। अब देखो कैसे ये इफेक्ट करेगा। अगले इलेक्शन यूपी में हो, आपका पिता भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए, एमएलए चुन लिया जाए और योगी जी की जगह उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आपके पास फोन आए आपका डैडी अब यूपी का मुख्यमंत्री है, सुनते ही क्या क्या होगा बोलो, पता है ना क्या हो जाएगा, चाल बदल जाएगी, बोल बदल जाएंगे, व्यवहार बदल जाएगा। देखो जब मैंने ये सब चिंतन किया तो मैं क्या सोचा करता था, तब आप पहला काम करेंगे सबको फोन करेंगे, सारा दिन फोन खड़केंगे, पता है हमारा डैडी
चीफ मिनिस्टर यूपी बन गया है, अब तो आनंद ही आनंद, तुम्हें भी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, चीफ मिनिस्टर वो है पर मैं करूंगी काम तुम्हारे सारे। अब जो भगवान था आज तक वो क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, हमारा पापा, हमारा डैडी हो गया या नहीं हो गया। तो आज जाके सबको फोन कर देना, आपको पता है, और आपको कोई काम भगवान से पड़े, बोलो आगे, वो तो हमारा डैडी है, होगा। अगर ये नशा चढ़ जाए, ये है बाप के रूप में याद करना, उसके परिवार में हम बाबा साकार में, तो कोई पूछता था ना, बाबा आप ऐसा ऐसा क्यों बोलते हो, मैं तुमसे थोड़ा ही बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, तुम्हारा क्या जाता है, समझ गए। परिवार में आकर बैठता था भगवान, हम उसके परिवार बन गए, जो कुछ उसका है वो, उसकी सारी शक्तियाँ भी मेरी, यह सबसे बड़ा नशा, उस पर भी मेरा अधिकार। आप उसे विवश भी कर सकते हैं कुछ काम कराने के लिए। पार्वती की बहुत कहानियाँ हैं, महादेव जी को विवश कर देती थी। एक हंसी कहानी सुना देता हूँ। एक गरीब व्यक्ति जा रहा रास्ते में, कहा भोलेनाथ ये गरीब है, दया नहीं आती, इसको साहूकार बनाओ। कहा भोली इसके भाग्य में नहीं है, भाग्य बदलने वाले तुम हो, बनाओ इसको साहूकार। अच्छा लो डाल दो कुछ हीरे थैली में इसके आगे। अब वो जा रहा था, उसके 15 फुट दूर हीरे डल दिए, उसको तुरंत विचार आया, पता नहीं अंधे कैसे चलते हैं, मैं भी चल के तो देखूं। आंख बंद करके निकला, थैली पीछे रह गई। महादेव जी ने कहा पार्वती देखा इसके भाग्य में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो हमारा पिता है, नशा चढ़ा दे वो मेरा है, अब हम उसकी संतान, हम उसकी फैमिली, तो हमारे संस्कार, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, जो लोग देखकर कहें लगता है ये तो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है टीचर, ये चिंतन में लाना। बस ये चिंतन जब तक आप कर रहे हैं आप योगयुक्त हैं, ये सब योग के हिस्से हैं। टीचर सोचो, कौन पढ़ाने आ गया, कौन आ गया, जो ज्ञान का सागर है, जो सृष्टि का बीज है, जिसको किताबें लेके नहीं पढ़ाना, वेद लेके नहीं पढ़ाने, शास्त्र नहीं पढ़ाने, ज्ञान का सागर, सब वेदों शास्त्रों का सार सुना देते हैं। ये सार है जो हमें मिला है। मैं एक अनुभव सुना दूँ छोटा सा। हम गए उत्तर काशी हिमालय में, गीता बहन को ऑपरेशन हुआ था, इसको ले गया, मैंने कहा चलो फ्रेश हो जाओगी। एक पब्लिक प्रोग्राम रखा, इसे थोड़ा सा बड़ा हॉल था, भर गया। इसने कहा मैं तो बहुत थकी हूँ क्या कराऊँ। मैंने कहा आत्मा परमात्मा और योग इतना सिखा देना, ये तो सिंपल है अपना रोज का धंधा। इसने आधा घंटा 40 मिनट भाषण किया, मैंने भी किया, और फिर हम बाहर आए। एक व्यक्ति भागा भागा मेरे पास आई, बहन कौन है। मैंने कहा क्यों क्या बात है। कहा बहुत बड़ी विद्वान है ये। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या कैसे आपने जाना। अरे इसने आधे घंटे में चारों वेदों का सार सुना दिया। फिर दूसरा आया भागा, कहा ये जो आपसे बात कर रहे हैं ये यहाँ के प्रसिद्ध कथाकार हैं, भागवत की कथा करते हैं। तो मैं भी हैरान हो गया, मैंने इसको बुलाया, ये पीछे आ रही थी बहनों के साथ। मैं कहा देखो ये क्या कह रहा है, आज तुम्हारी बीमारी में भी हल्के से भाषण से, वो तो हमारे लिए सबसे हल्का होता है ना, वेदों शास्त्रों का सार सुना दिया स्वयं ज्ञान सागर ने, कौन पढ़ाने आया, और हम कौन हैं,
हम कौन हैं, हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट। माताएं कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं। हाथ उठाओ बिना पढ़ी लिखी माताएं। भगवान क्या कर रहा है? तो बिना पढ़े लिखी हो, आज से न कहना हम बिना पढ़े लिखे। जिनको भगवान पढ़ाता हो वो तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, हाईली एजुकेटेड। तो भगवान पढ़ाने आया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, सारे रहस्य खोल दिए। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, सारे खोल दिए आगे पीछे के सारे भेद। पता है ना सबको ये नशा और इस पढ़ाई से मिल क्या रहा है? नहीं मिलेगा क्या? विश्व की बादशाही ऐसी कोई पढ़ाई नहीं। हमारे भारत में सबसे बड़ा एग्जाम IAS, जिसे कलेक्टर बनते हैं, या दूसरा जजेज बनते हैं, SP बनते हैं, और हमारी पढ़ाई से क्या बनते हैं? विश्व की रजाई मिलती है। ये नशा हो, ये है टीचर के रूप में याद करना। बुद्धि खोल दी, तीसरा नेत्र दे दिया है, सत जन्म जन्म की सत्य की खोज खत्म कर दी है उसने आकर। या कुछ खोजना बाकी है? मैं कौन हूँ लोग खोज रहे हैं, सारी खोज समाप्त कर दी। ये नशा हो जाए, ये है टीचर के रूप में याद करना। सदगुरु जिसने राह दिखा दी, कहाँ की राह? पहले तो घर की राह, भूल गए थे ना, आए यहाँ लग गए तो घर की राह भूल गई। किसी को नहीं पता, बाबा उत्तर देते हैं, अगर घर की राह मालूम होती तो घर चले गए होते। मुक्ति जीवन मुक्ति जन्म सिद्ध अधिकार बना दिया, गति सदगति कर दी, होगी नहीं कर दी, हो गई गति सदगति माताओं की हुई या नहीं? आवाज नहीं निकल रही है ना, कुछ के तो अभी भी सोच रहे हैं कहाँ हुई अभी, तो थोड़ी गति, थोड़ी दूसरी गति है, दुर्गति नहीं दूर गति है, थोड़ी दूर दिखाई दे रही है। नहीं, भगवान ने हाथ थाम लिया, वो हमारी जीवन नैया का खिवैया बन कर आया। सदगुरु नैया पार, नशा हो जाए। कौन गुरु मिला है, कौन गुरु मिला? जब आसाराम जी थे ना पावर में, अभी तो नहीं है बेचारे, कई लोग उसके शिष्य आते थे, नहीं हम तो आसाराम के चेले हैं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। कितना नशा रहता था। और यहाँ स्वयं भगवान सदगुरु बनकर आ गया है। तीनों का नशा, तीनों रूप में स्मृति, तीनों रूप से निश्चिंतता, तीनों रूप से प्राप्तियां, इन पे चिंतन करना, ये है तीनों की याद। ठीक है, इस तरह किया करेंगे तो योग को एक मनोरंजन बनाना है सबको। ये नहीं बैठे योग में बुद्धि ऊपर ले जा रहे, जा नहीं रही है, मन भटक रहा है, परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें क्या करें, योग तो लगता नहीं, बहुतों की समस्या है ये। योग लगाना सीख लें, चिंतन के साथ योग लगाना है। ध्यान से सुन लेंगे, जितना अच्छा चिंतन उतना ही अच्छा अनुभव। मन को शांत कर दें, योग लगा लें, वो गलत समझ लिया है। स्वदर्शन चक्र, चिंतन में आओ, कहाँ थे, क्या थे शुरू में? हम देवी देवता थे। कितने साल देवी देवता रहे, बोलो आप बताओ, कितने साल देवी रही आप? 2500 साल या 2.5 साल? पिछली क्लास में एक जगह मैंने पूछा तो एक माता घबरा गई, कही 2.5 लाख।
अरे मैंने कहा 2.5 लाख, फिर हंसने लगी और गलत भूल गया। दूसरे से पूछा, वो भी घबरा गई, 250। 2500 साल तक देव कुल में हम रहे, उसे याद करो। देवताई संस्कार काम करने लगेंगे अंदर, सभी को पता हो चारों युगों का सब कुछ इधर है। सुन ले सभी ध्यान से, राज आत्मा में रिकॉर्ड है ना सब, चारों युगों का, वो ब्रेन में भी प्रिंट है। जो कुछ आत्मा में है वो इस ब्रेन में भी प्रिंट है। तो देवत्व इधर छपा हुआ है अंदर में, उसे जगाना है। तो कैसे जगेगा? मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, इस संकल्प से वो जगेगा। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। मन को भटकने से रोकना है। कौन कौन रोकना चाहते हैं? वाह, सभी करेंगे कुछ? देखिए, मन को रोकना सहज है या कठिन? सहज नहीं है, कहना ही सहज है। जो मन को रोक ले, शास्त्रों में है ये बात, वो तो हवा को रोक सकता है। मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? रोकने का अर्थ जीरो करना नहीं, कि हम कुछ सोचे ही नहीं, ये नहीं। मन अच्छे विचारों में रहे, मन जो बाबा कहता है उन संकल्पों में रहे, ये है मन पर कंट्रोल। मन को रोकने से हमारी साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाती है, एकाग्रता से बुद्धि दिव्य हो जाती है, कार्य सफल होने लगते हैं, हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। अब एक राज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको सभी भाई बहनें ध्यान से सुन लेंगे, इधर उधर ध्यान न देना। अभी बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठो। मन का क्या काम है बोलो? विचार करना। मन का काम है संकल्प उठाना। अब देखो, अब ध्यान से सुन लेना है लाइन, फिर कह रहा हूं। चाहे तो मन को हम संकल्प दें, और यदि मन को हम संकल्प नहीं देते तो मन खुद संकल्प उठाएगा। सुन लो ये राज सभी। तो तरीका क्या हो गया? मन को संकल्प देना, मन को संकल्प खुद देना, मन में संकल्प क्रिएट करना। समझ रहे हैं ना? इसलिए परेशान न होना, क्या करूं? सुंदर संकल्प दो अपने मन को। और सुंदर संकल्प कहाँ है? कहाँ है? मुरली में है या नहीं? मेरे बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्प दे देता है। संसार में किसी की पालना ये नहीं होती है, और सत्संगों में भी नहीं होती, सन्यासियों के आश्रमों में भी नहीं होती। रोज सवेरे भगवान के वचन सुनना, वहाँ तो शास्त्र एक बार पढ़ लिए, फिर गीता पाठ कर लिया, बस हो गया। सुंदर संकल्प स्वमान के संकल्प हैं, स्वमान के संकल्प, श्रेष्ठ स्मृतियों के संकल्प सुंदर संकल्प हैं। इसलिए जो पढ़ाई के शौकीन हैं भाई बहने, कौन कौन हैं? बस बहुत हो गए, कईयों को तो समझ में नहीं आया मैंने क्या पूछा। लौकिक पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हम, बाबा की पढ़ाई की बात। कौन कौन लोग इस अलौकिक पढ़ाई की शौकीन हैं? अब सब ने हाथ उठा दिया। अब सुनो, बाबा की मुरलियों में
इतने सुंदर सुंदर महावाक्य आते हैं, उन्हें नोट करो, मोटे अक्षरों में नोट करो, घिच पिच नहीं। जब मुरली लिख लेते हैं ना, एक ही पेज पे साइड लिखनी, वो हम भी लिखते हैं, एक पेज पे दो महावाक्य सुंदर डेकोरेट करो। ने सुनाता हूं अभी का महावाक्य, 5-7 दिन पहले। तुम जैसा रॉयल कोई होता ही नहीं, तुम शांति के टावर हो। पसंद है महावाक्य? सुनते ही अंदर हो जाएगा ना कुछ कुछ। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता तो मैं करता हूं। याद होते ही क्या हो जाएगा? निश्चिंत। जिनकी चिंता भगवान करे वो अपनी चिंता क्यों करें? जिनकी रक्षा स्वयं भगवान करता हो, क्या वो भयभीत होंगे? तो ये महावाक्य लिखो। जो ज्ञान के शौकीन हैं वो 50 पॉइंट लिख लें, जो कम शौकीन हैं वो 15-16 लिख लें, लिखना सबको है। तो ज्ञान को अपना शस्त्र बना दो। मुरली चली ना पिछले संडे, एक एक ज्ञान की बात तुम्हारा शस्त्र है, इसलिए देवियों के हाथ में शस्त्र दिखाते हैं, बल है शस्त्र का। और बल का अर्थ है ज्ञान की वो बात याद करते ही हम जग जाएं, हमारी खुशी का पारा चढ़ जाए, हमारी चिंताएं मिट जाएं, हमारी स्थिति अचल अडोल हो जाए। इसको कहते हैं ज्ञान शस्त्र बन गया। कोई माया आ रही हो वो पीछे हट जाए। ये है कि ज्ञान शस्त्र बन गया। तो ज्ञान की सुंदर बातें सबको लिखनी है, केवल बुद्ध मां सुन के चले नहीं जाना है। लिखेंगे तो याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो काम आएगी। पसंद है? सुन के हाँ नहीं करें, कौन कौन करेंगे? किसके आगे हाथ उठाया? मेरे आगे नहीं समझना, क्योंकि मैं तो हूँगा नहीं यहाँ। बाबा ने देख लिया आपका हाथ ऊपर से, अभी देख रहा है। लिखना है, ये पढ़ाई से प्रेम होगा, ये पढ़ाने वाले से प्रेम होगा। आज की मुरली में पहली लाइन बहुत अच्छी, बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं बच्चे, अगर श्रीमत नहीं मानते, मुरली नहीं सुनते। भगवान पढ़ाने आए और हम अलबेले हों तो डिसरिगार्ड हो गया ना। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया हूँ। सुंदर बात है ना। पढ़ते ही 5 मिनट तो नशा चढ़ा रहेगा ना। लिखो ऐसी बातें। पीछे मुरली में आया, मुझे बहुत प्रिय लगा, तुम्हारा ब्राह्मण जीवन का हर पल सुख में हो, ऐसा अभ्यास करो, ऐसा पुरुषार्थ करो, सुखी हो जाओ, क्योंकि सुख बांटने हैं। तो आने वाले समय में हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े काम करने हैं। दुख बढ़ता जा रहा है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, नींद की समस्या बढ़ती जाएगी, क्या करेंगे हम सभी? एक तो अपने को सुरक्षित रखना है, और दूसरे कानपुर से बाबा को 10 महायोगी चाहिए, जो सबको वाइब्रेशंस देकर राहत दें। मिलेंगे विद्या दीदी? पूछ कह रही है दीदी, हाथ उठवाओ भाई। केवल 10? सोच लो बड़ा काम है, मैं आगे प्रश्न करने वाला। 10 महान योगी सब बन जाए तो कमाल हो जाए। चलो ठीक है, ठीक है, बनेंगे ना। त्याग ही तपस्या का आधार है।
वैराग के बिना तपस्या होती नहीं। ये वैराग ऐसा नहीं कि जंगल में चले जाओ, ये वैराग ऐसा नहीं कि काम काज न करो, बच्चों की पालना न करो, प्यार न दो। ये प्यार बहुत गहरा है, सब कुछ कार्य करो, साधनों का प्रयोग भी करो, लेकिन उनमें लिप्त न हो जाओ कि उनके बिना काम न चले। तो अच्छे योगियों की भगवान को भी तलाश है, जो उसके संसार के बच्चों को सुख दे सकें। क्योंकि जब मनुष्य पर विपदाएं आती हैं तब तो वो किसे याद करता है? पहले भगवान को याद करेगा, फिर अपने इष्ट देव देवियों को याद करेगा। हम सबको ये बड़ा कार्य करना है। अब हम कुछ धारणाओं पर आ जाते हैं। धारणाओं पर सबको ध्यान देना है ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। बहुत संतुष्ट आत्मा बनना है। देख लें आप अपने अंदर कौन सी बात मुझे असंतुष्ट करती है। किसी का व्यवहार, कोई मन की एक्सपेक्टेशंस, कामनाएं, कुछ संसार से इच्छाएं, जीवन में कुछ निराशाएं, निगेटिविटी, कौन सी चीज मुझे असंतुष्ट करती है? सोचेंगे सभी, अपने पर एक दृष्टि डालेंगे। भगवान को पाकर भी यदि हम संतुष्ट न हुए, आगे बोलो, तो फिर कभी नहीं हो पाएंगे। जब वो हमें सब कुछ देने आ गया है, तब हमें उससे सब कुछ लेके तृप्त आत्मा बनना है। लेकिन व्यवहार में हमें संतुष्ट होकर रहना है। संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है। व्यवहार से संतुष्ट करना, बोल से संतुष्ट करना, प्यार देकर संतुष्ट करना। कभी कभी हम वस्तु नहीं दे सकते, लेकिन मीठे बोल बोल कर दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। अपने संस्कारों से भी संतुष्ट रहना बहुत बहुत बड़ी चीज है। किसी किसी में एक फीलिंग का संस्कार इतना हो जाता है कि वो संतुष्ट ही नहीं रह पाते। बहुत फीलिंग होने लगती है, बात बात में फीलिंग, खुशी नष्ट हो जाती है, स्थिति बिगड़ती रहती है, तो संतुष्ट आत्मा बन नहीं पाते हैं। तो सभी चिंतन करेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। बाबा का मुझे एक महावाक्य बहुत याद रहा, बहुत चली हैं संतुष्टता पर मुरलियाँ। संतुष्ट मणियों का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। देखो कितनी कितना बड़ा महत्व दे दिया बाबा ने संतुष्ट मणियों को। मणि कहा उन्हें, जो संतुष्ट मणियाँ हैं वो बाप को बहुत प्रिय हैं। तो हमें संतुष्ट आत्मा बनना है। चेक करेंगे कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे, बोलो बोलो। बाबा से जब तक सब कुछ प्राप्त नहीं किया, आत्मा तृप्त नहीं होती। जो कुछ हमने 5000 साल में खोया है, पहले तो दो युग भोगा, उसमें भी तो खत्म हुआ ना। जो कुछ हमने खत्म किया है, जब तक वो नहीं मिलता, आत्मा संतुष्ट नहीं होती। इसलिए सुख से, शांति से, पवित्रता से, शक्तियों से, दुआओं के खजानों से, पुण्य कर्मों से अपने को तृप्त आत्मा बनाना है, बनाना है।
पुण्य तो बहुत बढ़ाने हैं। पुण्य, माताएं ध्यान दे मेरी ओर, क्या कहा मैंने? पुण्य बहुत बढ़ाने हैं। जिसके पाप बढ़े हुए होते हैं उसे कठिनाइयां बहुत हैं, चित्त शांत नहीं होता। अब वो समय आ गया है सृष्टि चक्र का, ध्यान से सुन लेंगे, और पुण्य जितने कर सकें सच्चे मन से कर लेना, दुआएं जितनी दे सकें देना। ये वो समय आ गया है, सृष्टि चक्र चला था ना सतयुग शुरू से, एंड में पहुंच रहा है, बिल्कुल समाप्ति की ओर, जहां से चला था वहीं आ रहा है। तो सभी के अंदर के पाप कर्म जागृत हो रहे हैं, वो विदाई लेंगे, विदाई लेंगे, इसलिए बाहर निकलेंगे। तो वो भिन्न भिन्न रूप से कष्ट देंगे, हमारे पुण्यों की पूंजी उन्हें नष्ट करेगी। जैसे योग से भी कर्म नष्ट होते हैं, पुण्य कर्मों से भी पाप बहुत हल्के हो जाते हैं। उनका जो फोर्स रहता है ना, जो आत्मा को योग नहीं लगाने देता, खुश नहीं रहने देता, अनेक विघ्न डालता है जीवन में, वो फोर्स हल्का हो जाएगा। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। हमारा जीवन कितना अच्छा है, पुण्य। सवेरे आँख खोलते हैं, कौन मिलता है? मिलता है सबको? दुनिया में लोग आँख खोलते हैं, क्या मिलता है? फोन मिलता है। ठीक बोला आपने। कई तो उठते ही फोन देखेंगे, आज व्हाट्सएप पे क्या क्या माल आया है, कई अखबार पढ़ेंगे, उठते ही ये सब काम नहीं करना है। अंतर मन जगा रहता है, ये काम 15 मिनट के बाद करना है अगर जरूरी है। दुनिया में भी लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उठते ही अखबार पढ़ते हैं, 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठते ही पढ़ेंगे आज कानपुर में क्या क्या हो गया। अब वो अच्छे न्यूज़ तो आज होंगे नहीं, तो अशांति आ जाएगी अंदर में। अंतर मन जगा रहता है, तो हमें सवेरे उठते ही कौन मिलता है? इस खुशी में, इस भाग्य में, इस मस्ती में रहना है। हम इतने भाग्यवान हैं कि आँख खुलते ही भगवान मिलता है, और एक सुंदर अनुभव सबको करना है। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे ना, तो बाबा क्या करेगा उत्तर में? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, बाबा अपना दुआओं का हाथ आपके सिर पे रखेगा। अब भी तो रखते हैं हम बच्चों के सिर पे, वो भी रखेगा। गुड मॉर्निंग करने से भी बड़ी चीज़ हो जाएगी वो, भगवान के आशीर्वाद का हाथ सिर पर आ गया, परम सद्गुरु के वरदानी हाथ सिर पर, ये फील करना है सवेरे। पहले क्षण इसमें बिताएंगे, सुस्ते भी भाग जाएगी। फिर बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। सबको शुरू करना है ये मुरली के समय। फिर हम याद प्यार नमस्ते, बाबा को नमस्ते करते हैं ना। फिर महसूस करना, बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। रात को फिर नमस्ते अनुभव करना, बाबा को जैसे नमस्ते किया बाबा ने मुझे गले से लगा लिया है। और भगवान का गले से लगाना माना बताओ क्या होगा? शरीर के भी रोग सोख लेगा, वो सोखता है। सुनी मुरली? है एक मुरली आ चुकी है, मैं ब्लॉटिंग पेपर हूँ, तुम्हारे सारे पाप चूस लेता हूँ। तो गले से लगाकर रोग सोख लेगा। ये तीनों काम सबको करने हैं। तो बच्चा बनाएंगे, खुदा दोस्त बनाएंगे, और
तीन बार नमस्ते करेंगे बाबा को, ये मिलन होगा उससे, फील करना, केवल मुख से नहीं बोलना। सभाओं में क्या हो जाता है, नहीं तो बहनों ने भी सिखा दिया, कोई कहेंगे नमस्ते जियो, हंसते हंसते पता नहीं कुछ कुछ क्या क्या बोलते हैं, बोल तो दिया, खुश तो हो गए, ये भी अच्छी बात है। फिर चलो अपने घर के रास्ते, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन एक बार खाओ पूरी खस्ते चा। तो एक मिलन की अनुभूति के साथ नमस्ते हो, जैसे उसके पास जाकर नमस्ते हो, प्यार और सम्मान भरी नमस्ते हो, शुक्रिया से भरी हुई नमस्ते हो, तो उसके मिलन का सुंदर अनुभव रहेगा। तो हमें तृप्त आत्मा बनना है। दूसरी धारणा पर आ जाते हैं, बहुत सुंदर हमारा त्याग है, सरल, मैंपन का त्याग। सभी ध्यान देंगे जो लास्ट भी आए हैं ज्ञान में, एक साल से भी हैं, दो तीन चार पाँच, मैंपन पे गहरी नज़र डाल दें। इसका त्याग करने से तेजी से स्थिति आगे बढ़ने लगेगी। क्या क्या होता है मैंपन, बोलो माताएं बताएं, घरों का मैंपन, मेरा घर, नहीं मेरा बाद में पूछूंगा, पहले मैं इस घर की मालकिन, मैंने ये काम किया, और बोलो मैं ही कर सकता हूं, केवल मैं बहुत बुद्धिमान, बोलो मैं कहाँ आता है, सेवा करने वालों में भी ज्यादा आता है, मैंने ये सेवा की, मेरा नाम हो जाए, मैंने किया, इसका क्रेडिट मुझे मिले। अब उल्टा भी मैं होता है, मैं बहुत कमजोर हूं, ये भी मैं, मेरा संस्कार ये है, ये कमजोर निराश करता है, जो निराश करता है ऐसा कमजोर मैंपन। तो हमें मुक्त होना है, क्या याद करेंगे, नहीं एक बहुत अच्छे बाबा के शब्द हैं, मैंने उससे ही सब कुछ सीखा था। दो बातें सुना देता हूँ, एक बहुत बड़ी है, बहुत गहरी, और दूसरी ये सिंपल है, हम सब जानते हैं इसको। बाबा ने कहा, ऐसा संकल्प करो जो कुछ मेरे पास है, जिसका अभिमान आता है ना, धन मेरे पास है, परिवार मेरा बड़ा है, बच्चे अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, पति कमिश्नर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, कदम कदम पे सफलता मिलती है, मैंने ये बड़े काम किए हैं, क्या याद करो, ये सब प्रभु देन है, ये सब प्रभु देन है। मुझे ये शब्द बहुत प्रिय लगा था, बहुत साल पहले कहा था बाबा ने, बहुत प्यारा शब्द है, जो कुछ हमारे पास आया है वो बाबा से आया है। मेहनत करने वाले बुद्धिमान लोग बहुत हैं दुनिया में, कोई हम ही थोड़ा ही हैं, करोड़ों हैं, हमसे अधिक योग्यता रखने वाले भी करोड़ों हैं, पर हमें सब कुछ किसने दिया, प्रभु देन है। बहुत ध्यान देंगे इस चीज पर, चित्त शांत होगा, एक गहरा सुख आत्मा को मिलेगा कि बाबा ने मुझे ये सब कुछ दिया है, योग्यताएं दी, सफलता दिया, नाम कराया मेरा, महिमा कराई, हमारे साथ तो ये सब बहुत है ना, हम तुरंत याद करते हैं, ये जिसने कराई उसको ही अर्पण, बहुत मजा आता है, उसका ही तो है उसको अर्पण। प्राइवेट बात बता दूं,
चलते चलते कोई मुझे लिफाफा दे देता है, मैं नहीं देखता उसमें 50 रुपये 10 हैं या 100 हैं, मेरी आदत बन गई है। बाबा स्वीकार करो इस गरीब माता का, पहुंच जाता है ऊपर, मज़ा आता है अपने को, अपने को सुख मिलता है बहुत। पांडवों की कहानी सुना देता हूँ। सबको थोड़ा गर्व तो रहता ही था, अर्जुन को भीम को, हमने युद्ध जीता है, ये बड़े बड़े महारथियों को मार गिराया है। तो अंत की कहानी है बिल्कुल। देखो पांडवों के खेल की समाप्ति से पहले उन्हें भगवान ने रियलाइज करा दिया। क्या कराया वो सुनो। युधिष्ठिर को अनुभव होने लगा, मेरे पास धर्म की शक्ति नहीं रही है। भागवत में मैंने वो 10 बातें पढ़ी, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं मैं जिधर जाता हूँ कुत्ते भौंकते हैं, राजा को कुत्ते नहीं भौंकते थे, शहर से रोने की आवाज़ आने लगी है, ये धर्म प्रधान राजा का लक्षण नहीं है, घरों में चोरी होने लगी हैं, गड़बड़ हो रही है, भीम को महसूस हुआ बल ही नहीं है मेरे पास। दूत को बुलाया, भागो जाओ श्री कृष्ण को बुला के लाओ, इधर तो कुछ हो रहा है। अर्जुन गया था श्री कृष्ण के पास धनमाल मांगने के लिए। श्री कृष्ण ने सोच लिया था मेरा पार्ट पूरा हुआ। अर्जुन के मन में सोने के प्रति मोह पैदा हो गया। कलयुग का प्रारंभ दिखाया है शास्त्रों में, जब मनुष्य की आसक्ति सोने में हो गई, गोल्ड में। उससे पहले यहाँ अथाह धन संपदा थी, सोने को कोई पूछता नहीं था। तो श्री कृष्ण ने विचार कर लिया, अर्जुन को सब धन माल दे दिया, अर्जुन लेकर आ रहा था, श्री कृष्ण गए अपने धाम। इधर अर्जुन को भीलों ने लूट लिया, वो अर्जुन, इसके लिए तो इधर गीत बने हुए, वही अर्जुन वही बाण, भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन आया है, दूत आया है, अर्जुन के चेहरे पर तेज नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ अर्जुन, कहीं युद्ध में हार गए क्या? अर्जुन ने से नीचा कर लिया। दूत आ गया, क्या समाचार लाए हो? श्री कृष्ण तो अपने धाम सिधार गए। तब इन्हें महसूस हुआ कि हमारे पास जो शक्ति थी वो हमारी नहीं थी, हमारे साथ काम कर रही थी। तो अर्जुन विजयी था, भीम की भुजाओं में बल था, मेरे पास धर्म की शक्ति थी, वो गए तो ये भी गई, हम भी चलें। वहाँ से दिखाया उन्होंने परीक्षित को राज तिलक दिया और स्वर्ग की यात्रा की। तो ये सत्य है कि हम सब भी, मैं यहाँ बोल रहा हूँ क्यों, ईश्वरीय शक्तियाँ पास हैं। हम विश्व परिवर्तन का काम करने चले हैं, सोच के तो देखो, लोग सुने विश्व परिवर्तन, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किसकी शक्ति से? बाबा की शक्ति, उसने ही संकल्प दिया, उसने शक्ति दी, उसने इतना बड़ा काम दिया हमें। तो जब तक हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, हम भी नशे में चूर हैं। और जिस दिन ये शक्ति हट जाती है, हमने हटती देखी बहुत होगी, उस दिन हम कुछ नहीं रह जाते। तो जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है, पक्का कर दो सभी। न धन का अभिमान, न बल का, न परिवार का, न पद पोजीशन का, सब कुछ ईश्वरीय देन है। समा गया ना अंदर में? तो देन समझकर हम अपने मैंपन और अभिमान को समाप्त करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा। क्योंकि ये अहंकार क्रोध को जन्म देता है, ये अहंकार चैन से नहीं रहने देता, जाने का डर रहता है कुछ चला न जाए। लेकिन जब है ही बाबा का तो हमसे जाएगा क्या? जाएगा तो उसका जाएगा,
इसलिए बाबा कहते अपना सब कुछ मुझ पे समर्पित करो, बलिहार करो, तो तुम्हारा कुछ भी विनाश नहीं होगा, वो सब ट्रांसफर हो गया सत्ययुग में। मन से कर दो सब कुछ, बोलो सब कुछ। करते हैं सभी या नहीं? सब कुछ। अब एक सुंदर महावाक्य और एक सुंदर प्रैक्टिस आप अपने परिवार के लिए सुन लो। बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई है, जिन्होंने नहीं सीखी वो अब सीख ले, तो ये बात का पता नहीं होता। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वे मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। सुना सभी ने? जो अपने घर को क्या समझते हैं? बाबा का यज्ञ मान लो उसे, जैसे बहनें समझती हैं ना हमारा सेवा केंद्र बाबा का यज्ञ। मैंने बहन जी की बात सुनी, बहन जी आपकी महिमा कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा ना। कहते हैं इनको रहता है जो कुछ भी है यज्ञ में भेजो। मटर मंगाई थी आप सबके लिए, अभी बड़ा यज्ञ नहीं रचा गया तो मटर के दाने निकलवा लिए थे, 2 क्विंटल बचे हैं। कहती है मधुवन भेजो। देखो ये यज्ञ है ना, ये भावना है, तो जो उस यज्ञ का ध्यान रखता है उसका ध्यान कौन रखेगा? तो अपने घर को बाबा का यज्ञ मान लो। सभी भाई बहने गहन चिंतन में चलो, ये घर मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है, ये बच्चे बाबा के इस यज्ञ के सेवाधारी हैं, हम सब इस यज्ञ के सेवाधारी हैं। ये परिवर्तन करना है, मन का परिवर्तन है केवल, विचारों का परिवर्तन है केवल। मेरा घर नहीं, बाबा का यज्ञ है। देखो अपने घर को यहाँ से और गहराई से संकल्प कर दो, ये बाबा का यज्ञ है, इसका रक्षक वही है, उसने ही हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ उसको अर्पण करते हैं। तो उसका समझने से बाबा के, भगवान ने कहा है उनके भंडारे और भंडारे भरपूर रहेंगे, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। भगवान का दिया हुआ भोजन, भक्ति में तो ऐसे ही कहते थे सब कुछ भगवान ने दिया है, पर ये प्रैक्टिकल बात हो जाएगी, वो बाबा का दिया हुआ खाएंगे तो रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। अब एक मोटी सी बात सभी को करनी है, सभी भाई बहनों को, बहुतों ने कर दिया है, जिन जिन को भी हमने कहा और उन्होंने सीख लिया और कर दिया। जो भी आपके घर में आए सामान, धन, अनाज, सब्जियां, कपड़े, पहले बाबा को अर्पित करो। सबके घर में बाबा है, किसी ने रूम बनाया होगा, किसी ने चित्र रखा होगा, एक जगह जरूर बना लो, वहां रख दो, लाते ही अर्पित करो, तुम्हारा है, अब हम तुम्हारी ओर से खाएंगे। विचारों को शुद्ध करने का, अपने ममत्व मिटाने का ये सुंदर तरीका है, कुछ बड़ी बात नहीं। वो आपकी सब्जी ले नहीं जाएगा, आपका पर्स ले नहीं जाएगा, वो आपके पास रहेगा, बल्कि भर देगा उसे। और करेंगे सभी सब कुछ अर्पित, और आज से आपका घर क्या हो गया? क्या हो गया? पक्का हो गया? ऐसे नहीं घर में जाते ही मेरा घर, बहुत जल्दी मन
जल्दी स्वीकार नहीं करता ना चीज़ों का, थोड़ा रोज कर देना। बाबा का यज्ञ देखो भरपूर रहेगा, भंडारे आपके सदा ही भरपूर रहेंगे। अब एक माता का सुखद सा अनुभव सुन लो, मैं कई जगह सुना चुका हूँ, माताएं बहुत बैठी हैं। अभी मिली वो माता हमें, यहीं पास के ही आपके एक सेंटर में रहती है, तो ज्ञान सरोवर में मैं एक क्लास कराया, मुरली चली थी समर्पण भाव पे, मैंने उस पर क्लास कराया। क्लास के बाद उसने कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा 3 मिनट में सुना दो क्योंकि क्लास पूरी हो गई थी, सब उठने लगे थे। उसने बताया मेरी लड़की की शादी थी, मेरे पास थे केवल 13,000 रुपये, 13,000 तो आजकल नथिंग, तो मैंने बाबा को कहा बाबा अब लड़की तो आपकी है, ज्ञान में नहीं है तो शादी करनी है उसकी। मैं अपना पर्स लेकर बाबा के रूम में पहुंच गई और पर्स खोल के रख दिया और बाबा कहा बाबा इसमें आप बैठ जाओ। कोई दिल में बैठाता है बाबा को, उसने बैठाया पर्स में। सब हंसने लगे उसकी ये बात सुन के, जैसे आप थोड़ा बोलने में अच्छी है, कोर्स शादी कराती है, ज्ञान देती है। अभी आए थे हम उनके सेंटर में मिले, तो कहा बस मैं तो योग लगा के बाबा से ये बातें करके और चली गई। 8-10 दिन में ही शादी थी। कहा 20 लोग ऐसे आए, शादियों में आते हैं, लिफाफे दिए, हमारे पास इकट्ठे हो गए आप अंदाज नहीं लगा सकते 13,00,000। अभी मैंने पूछा, मैं तो उसे भूल गया था कि यही है वो। उन्होंने कहा आप मुझे पहचान नहीं रहे। मैंने कहा ना भाई मैं तो भुलक्कड़ हूँ। कहा नहीं मैं वही हूँ जिसने क्लास में अनुभव सुनाया था, बैग खोल के बाबा के आगे रखा था कि इसमें बैठ जाओ, मैं ही हूँ। देखो कितना अच्छा अनुभव रहा। मैं करती तो दुखी रहती, 13,000 हैं क्या करूँ, दुखी रहती या नहीं। और बाबा बाबा किया तो पर्स इतना भर गया कि उसमें समाने की भी जगह नहीं रही। तो क्या करेंगे सभी हैं? हाँ मतलब पड़ेगा तब करेंगे या सदा ही? अब बाबा को पर्स में बैठाएंगे या दिल में? ठीक है बैठा लिया, अब निकलने ना देना। ऐसा बंद करो कि निकल ना पाए दिल से, तो ये जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। सवेरे उठते ही प्रभु मिलन करना और सवेरे के समय को सुंदर बिताना। चलते चलते 4 बातें बता देता हूँ। सवेरे उठकर 4-5 लक्ष्य बना लो, लक्ष्य बनाकर योग करना। पहला शरीरीपन का अभ्यास करना है, मैं आत्मा। दूसरा 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, 4 और रह गए आत्मा के अलावा। 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 बार जरूर करना, इससे आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, मन एकाग्र हो जाएगा। फिर परमधाम में जाने की और वापिस आने की ड्रिल करना। कैसे? मैं आत्मा, यहाँ से निकलकर चली परमधाम, बाबा के पास बैठ गई थोड़ी देर, फिर वहाँ से वापिस आई, आ गई भ्रकुटी की कुटिया में, फिर गई परमधाम, बाबा को टच कर दिया थोड़ी देर, फिर आ गई भ्रकुटी की कुटिया में। 10 बार कर लेना। चौथा अभ्यास, अब बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, पावरफुल योग, शक्तियों की किरणें, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें, सुखों की किरणें, उसका प्रेम बरस रहा है। और 5वां अभ्यास, ये किरणें ऊपर से मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं, सकास देना। 5 हिस्सों में अमृत वेले को बांटो तो नींद नहीं आएगी और अमृत वेला बहुत अच्छा होगा।
आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खींचतान करते भी सुंदर प्रोग्राम हो गया। आप सब भाई बहनें आ गए, अधिकारियों की भी अच्छी मदद रही, बाबा के कार्य में तो सब मदद करते ही हैं। आज भी कोई विजिलेंस का बैठा होगा हमारे बीच में जो रिपोर्ट देगा अधिकारियों को जाकर के बहुत अच्छा था, आप भी चलते तो अच्छा होता हैं, बड़े ऑफिसर आएंगे तो अच्छा होगा ना। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स, ओम शांति। दीदी को और अशोक भाई को भी बहुत थैंक्स। अशोक भाई बड़ी भाग दौड़ करते, हमें भी नहीं बैठने देते, जल्दी चलो हमारे लोग बैठे हैं, सब बहुत चुस्त हैं, ऐसे भाई आपको मिले हैं एक्टिव, धन्यवाद आपको भाई बहुत।